I'm Shlok. I'm Deepika. And welcome back to our channel, What the Fan. तो यकीन का सफर और इन दिनों आई थिंक जो मेजर ड्रामा का हमें रिकमेंडेशन आ रहा है दिस इज इट, क्योंकि हम भले सीरीज पे रिएक्शन दे रहे हैं, हम भले ट्रेलर्स पे रिएक्शन दे रहे हैं, हम कहीं पे भी रिएक्शन दे रहे हैं, यकीन का सफर हर जगह आ रहा है, हर जगह. एंड इस वजह से हम बहुत एक्साइटमेंट के साथ यहाँ पे आ चुके हैं. इट इज यकीन का सफर फुल ओएसटी. एंड हमें बस इतना पता है यकीन का सफर, आई डोंट नो हाउ इज इट ऐसा वियर्डली पॉसिबल, क्योंकि पहले इतना यकीन का सफर कोई नहीं बोल रहा था, कोई भी नहीं, और अब यकीन का सफर इतने सारे लोग बोल रहे हैं. जबकि यकीन का सफर ऐसा भी नहीं कि अभी की कोई बात है, पहले की बात है ये. तो यकीन का सफर जब पहले थोड़े लोग बोल रहे थे ना, हमने जाके देखा था कि कौन कास्ट है, ऑल वी वर वेरी एक्साइटेड. हाँ, सिर्फ एक ही बार बोल रहे थे अपन ने धूप की दीवार को किया था, सेम कास्ट कपल, ये सब कुछ, ये बात थी. उसके बाद फिर से कोई नहीं बोल रहा था, उससे पहले भी कोई नहीं बोल रहा था, वो एक साथ अचानक से वेव आ गई. तो ठीक है, अब जब वेव आई है तो हमने पकड़ लिया है यकीन का सफर. ओएसटी शुरू करना जी, शुरू कर. एक मिनट, एक और मुद्दा जो अपन भूल गए, What the fam 2.0 बना है भाई, अब तक लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है. कहाँ हो, 10% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है. यहाँ पे 42-43,000 लोगों की हमारी फैमिली, और वहाँ पे दिल से बुरा लगता है भाई, भाई समझ के बोल रहा हूँ, हमारी प्यारी फैमिली है. अच्छा, तो अगर आपको इस प्यारी फैमिली का पार्ट बनना है तो यू आर इन्वाइटेड. लिंक नीचे डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, नहीं तो मिल जाएगा यार, तुम लोगों को कम्युनिटी में जाके देख लेना, लिंक मिल जाएगा. एंड उधर हम लोग का क्या कंटेंट आएगा, हम लोग बेसिकली ड्रामास पे खाली, उसपे ओएससी वगैरह सब आपको इधर मिलेगा, उसपे प्रॉपर एपिसोड्स पे रिएक्शन मिलेगा, एपिसोड सीरीज जो भी, वैसे आपका कंटेंट है जो थोड़ा लंबा और जो रिस्की कंटेंट है वो हम वहाँ पे डालने वाले हैं. अगर नहीं सब्सक्राइब, यार कितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, दिल से बुरा लगता है. और जिनको सीरीज के एपिसोड्स देखने में इंटरेस्ट है तो वो सबसे पहले आ जाओ, और जिनको नहीं है वो भी आ जाओ. हाँ, सपोर्ट आपको हमारे साथ, मजा आए, अच्छी मजा आएगा. जागते में भी सोती हैं कुछ आंखें ऐसी होती हैं. यार आज तो बड़ी बिजलियां गिरा रही हो, अगर मूड बन रहा है तो. ओए ओए ओए, मेरा ऐसा कोई मूड नहीं है. कहाँ है मोहतरमा, हमें कोई लिफ्ट ही नहीं करवा रही हो? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे बहुत कदर है आपकी मोहब्बत की. पता नहीं उसने खाना भी खाया होगा कि नहीं. मेरे बच्चों को खिला दो, निकलता है इनको तो खिला दो. साथ सरे राह गुजर निकलता है. ये केस बहुत आम और एहसास नोयत का है. बंद करो ये अपना पागलपन. जहांगीर शाह बेकसूर है. जालिम को जालिम कहना और उसकी जुल्म के खिलाफ डट जाना, अगर आप लोगों के नजदीक जिद है, वहां मैं तेरी याद के खर्चों से तंग हूँ क्या क्या. आज मैं मिल गया, जरूरी नहीं कि हर बार कोई बचाने वाला मिल जाए. मैं तेरी याद के खर्चों से तंग हूँ क्या क्या. मेरा हिसाब मगर मुख्तसर निकल
बहुत वायलेंस हो रहा है ऐसा लग रहा है यार। इंटेंस था ये पूरा ऐसा, मतलब बहुत डिफरेंट था। मुझे लगा यकीन का सफर हाँ भाई तो भी एक दिमाग में पता नहीं ऑलरेडी एक इमेज थी यकीन का सफर को लेके, लेकिन इसके अंदर बहुत ज्यादा बहुत सीरियस है लाइक एंड ड्रामा। सिर्फ सजल की एक पर्सन उनकी एक को भी लाइफ को हम पकड़ के देखे तो उनके लाइफ में भी काफी कुछ दिखाया है इसमें एंड स्टोरी लुक्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। Exactly. क्योंकि जब ऐसा लगा था मे बी वी कैन फिगर इट आउट, तब तक कुछ अलग कैरेक्टर्स, अलग सीन, हॉस्पिटल, ऑफिस बहुत, और फिर किसी की फैमिली दिखाई, तो आई थिंक बहुत ज्यादा काफी कुछ कॉम्प्लिकेटेड है। एंड आई गेस इसीलिए सीरीज का इतना ज्यादा है बिकॉज ये काफी अलग स्टोरी रहेगी। मतलब वी आर होपिंग कि अंदर ही अंदर अलग अलग लाइफ, अलग अलग उनके जो स्टोरीज है, फेजेस है, उनके बारे में लग रहा है ये काफी ज्यादा। क्योंकि इट वॉज स्टार्टिंग में ठीक है, इट वॉज थोड़ा बहुत हाँ लग हाँ। लेकिन बाद में उसके बाद झगड़े और वो मारपीट वाले सीन्स हो रहे थे बहुत अलग। एक्चुअली जब से किसी की इसमें डेथ दिखाई थी उसके बाद उसके बाद से इश्यूज आना चालू हो गया था पूरा सीरीज। सजल की एक्टिंग नो डाउट इसमें बहुत अच्छी रही, कितनी प्यारी लग रही है, एकदम अलग सी आवाज में बात कर प्यारी सी क्यूट सिंपल, आपके प्यार की बहुत कदर है इतनी सॉफ्ट आवाज में। एंड सजल अभी एक्चुअली सजल को हम एक्चुअली वो जैसे दिखती है उनको कितना सूट भी करता है, वो इतनी प्यारी सी आवाज। मैं सजल को देखती हूँ ना, मेरे को सबूरी याद आता है। अरे यार कसम से बहुत ही ज्यादा ऐसा लगता है कितने से हम दिख सकते हैं वैसा वाला हो जाता है, प्यारे से छूटे हैं क्यूट क्यूट से यार भाई। एक्चुअली सजल के वन ऑफ द बेस्ट सीरीज में ये गिना जाता है यकीन का सफर, इतना पता है। हाँ एक्चुअली हमने जब 10 years ऑफ वो किया था तब भी ये था उसमें, सबने कहा था हमने यकीन का सफर का थोड़ा सा चंक्स किए क्या, क्योंकि आई थिंक 100 बेस्ट ओएसटीज ये सब वाले में नहीं, ओएसटी में मुझे याद नहीं यकीन का सफर था कि नहीं, ओएसटी नहीं मतलब हाँ, मतलब 100 बेस्ट वाले में मैंने कुछ सीन्स देखे मैंने 10 उसमें किया है 10 में 10 इयर्स ऑफ सजल अली सजल में हाँ उसमें वहां पे उनकी बहुत स्ट्रांग एक्टिंग आई थिंक ये वही सी नहीं नहीं वो अलग है गुले राना भी नहीं एक और है रंग रंग रे हाँ रंग रंग समथिंग रंग रे वो रंग रेज कुछ ऐसा था मुझे याद नहीं आ रहा है बट कुछ ऐसा था जिसमें वो बहुत बोल्ड वो एक्टिंग जैसे थे एंड ऑल आई रिमेंबर या वो बहुत सारे हैं मतलब सजल सजल के खुद के खुद को हर सीरियल हर हमने उनको जहाँ पे थोड़ा थोड़ा भी देखा है उन्होंने बहुत ज्यादा अपने आपको प्रूव किया है हर जगह और इतनी कम एज में आपने इतना ज्यादा प्रूव कर दिया कि उनसे एक्सपेक्टेशंस भी हमारी बहुत ज्यादा होती है। जब भी वो कोई शो सिलेक्ट करते हैं ऐसा लगता है दिस हैज टू बी you know one of the tops में से एक that's the main thing she has a nice choice वो एकदम selectively लेते हैं चीजें जो वो लेते हैं because she knows वो जो role कर रहे हैं वो जो message दे रहे हैं it means something and जहाँ तक भी इनका देखा है मतलब हर किसी ने मतलब हर किसी रोल में इन्हें justice दिया है जो भी वो निभाना चाहते हैं no doubt बहुत ही प्यारे तरीके से इसके अंदर भी the acting हर किसी का individually acting काफी अच्छा लग रहा था काफी ज्यादा नाम में थोड़ा confusion है मतलब सजल के जो हस्बैंड है आई गेस शायद उनका नाम अहद रजामिर है या लेकिन जो उनके हस्बैंड है उनका इतना सा रोल ही दिखाया यार इस ओएसटी में, क्योंकि हमने जब वो किया था तब सब लोगों ने कहा था ये नहीं टू सी दिस वो लोग का पैर है एंड एवरीथिंग, लेकिन ओएसटी में तो उनका आई थिंक हार्डली एक दो सीन, उनका लुक भी काफी अलग है इसमें बहुत अलग है। क्लोजिंग जो शॉट है उसमें उनको फेस पे मार्क से तो मारपीट वाली चीजें थी थोड़ी सी गाना थोड़ा आज बैकग्राउंड में हो गया था तो गाना मुझे जैसे याद आ रहा है वो ऐसे था कि वो थोड़ा ब्रेक्स में था बीच बीच में क्योंकि डायलॉग्स आके काफी ब्रेक्स लगाए हैं इसमें काफी थे डायलॉग्स एंड काफी हद तक हम स्टोरी फिगर आउट करने की ट्राई कर रहे थे क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था तो ऑलरेडी ऐसा था कि आधा ध्यान हमारा कहीं और है एंड सिंस इट इज इतना सा उसमें जब इतने सारे डायलॉग्स थे ना तो गाना काफी कट ऑफ हुआ बीच बीच में। या गाइस लुक्स इंटरेस्टिंग क्योंकि डिफरेंट लग रहा है मतलब ऐसा लग रहा है हम फिगर आउट नहीं कर पाए तो मे बी प्रोबेबली भी नहीं मे बी हम इसका भी रिएक्ट करें
तो जिनको यकीन का सफर में इंटरेस्टेड 2.0 पे आओ, सब्सक्राइब करो पहले तो यार। वही ये चाल है उस बंदी की, हमने ऐसा कोई डिस्कशन नहीं किया, लेकिन लोग बहुत ज्यादा यकीन का सफर बोल रहे हैं। ये देखो आप है ना, इस पे यकीन मत करो, ये नहीं ऑनेस्टली इतने ज्यादा कमेंट्स आ गए कि नेक्स्ट जो 2-3 सीरीज होंगे हम मे बी पोल ही डालेंगे पहले तो, लेकिन यकीन का सफर हमारे दिमाग में है क्योंकि उसके इतने ज्यादा रिकमेंडेशन है। अच्छा तू फ्रेम के बाहर है, तू जो भी यही कर रही है ना, वो बाहर है फ्रेम के। बाय गाइस, थैंक यू।